व्हाट्स अप गाइस, इट्स अनुज पंचाल हियर एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गेट अप गुज्जू। दोस्तों आज का जो ब्लॉग जो बनने वाला है वो इस चीज पर बनने वाला है, चेन के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को पता था कि 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद एक गिव अवे देने वाला था, तो आप लोगों ने क्या सोचा होगा कि गुज्जू क्या देगा? ये ब्रश, चेन ल्यूब, चेन क्लीनर। दोस्तों जैसे कि हम आज ये ब्रश, ये ग्लोसरी का क्लीनर, ये ग्लोसरी का ल्यूब और ये नॉर्मल सा क्लोथ और ये हैंड ग्लोव यूज करेंगे ताकि आपने हाथ खराब ना हो। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं गिव अवे में क्या देने वाला, तो आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहीं तो भी ये बताया है इस ब्लॉग में कि मैं क्या गिव अवे देने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि चेन को ल्यूब और क्लीन किस तरह से करना है और क्यों करना है और क्यों ल्यूबिंग इंपॉर्टेंट है। पहले आप अपनी बाइक को मिडल स्टैंड पर लगा दीजिएगा। अगर मिडल स्टैंड ना हो तो आप इस तरीके से पेडॉक स्टैंड पर आप अपनी बाइक लगा सकते हो। अगर आपके पास पेडॉक स्टैंड भी ना हो तो आप किसी फ्रेंड का मदद ले सकते हो इस तरीके से आप होल्ड करने के लिए। उसके बाद आप अपनी बाइक को चेन ल्यूब और चेन क्लीन कर सकते हो। और एक बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरा जो प्रोसीजर है वो उसको फर्स्ट गियर में डाल के आप मत कीजिएगा, मीन्स गियर में डाल के आप बाइक को मत कीजिएगा ये प्रोसीजर, क्योंकि इसमें आपकी उंगली भी जा सकती है। दोस्तों आप लोगों की बाइक में ये इस तरीके का कुछ बॉक्स होगा, वो भी उसे रिमूव कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे डस्ट होते हैं। आप कोई भी लोकल गैरेज में जाओगे तो आप वहाँ से टी पाना लेकर आप इसे ओपन करा के ले सकते हो। इस समय अभी आपने ये चेन पूरी क्लीन करनी है, उसके लिए तो एक्चुअली दोस्तों मैं तो ये ग्लोसरी का चेन ल्यूब और चेन क्लीनर यूज़ करता हूँ, जो मुझे बाकी ब्रांड से बहुत ही चीप और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हमें दोस्तों चेन क्लीन करने के लिए हमें यहाँ से हमें क्लीन करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना जो चेन जो है वो ओरिंग है, सो ओरिंग यहाँ से होती है तो उसके ईजिली डस्ट रिमूव हो सके, इसलिए हमें यहाँ से इस डायरेक्शन में हमें इसे क्लीन करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सा ब्रश ले लीजिएगा अपने घर पे से, नहीं तो आप इस तरीके का चेन क्लीनिंग का जो ब्रश है जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिलता है 150-200 तक, इसे बाय करके आप इसे भी यूज कर सकते हो। और एक बार बता दूं दोस्तों आप लोगों को, जैसे कि अगर आप सर्विस सेंटर में जाते हो तो ऑलमोस्ट चेन ल्यूब और चेन क्लीनिंग करने का 200-250 लोग चार्ज कर ही देते, प्लस उसके ऊपर टैक्सेस। तो क्यों ना हम इस तरीके से ग्लोसरी का एक कॉम्बो पैक खरीद ले और इसे अगर प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करें तो 6-7 टाइम्स हम इसे नॉर्मली हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे अगर देखा जाए तो हमारे 1000 प्लस पैसे इसमें बच जाते हैं। ये आपका पूरा चेन जो है वो ब्रश से क्लीन हो जाता है, उसके बाद एक नॉर्मल से इस तरीके से क्लोथ लीजिएगा और उस क्लोथ से इस चेन को पूरा साफ कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट टाइम ये होगा कि इस तरीके से ग्लोसरी का ल्यूब ले लीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से स्लोली आपका टायर मूव कीजिएगा और इसके ऊपर ओ रिंग है वहाँ पर इसे अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे ही ल्यूबिंग हो जाएगी डायरेक्टली आप बाइक को रन मत कीजिएगा, थोड़े देर रुकिएगा, उसको पूरा सेट होने दीजिएगा, बाद में आप रन कीजिएगा उस बाइक को। और दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बताता हूँ कि चेन ल्यूबिंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका जो चेन की जो लाइफ जो होती है वो ऑलमोस्ट 20-25 तक की होती है। अगर आप हर 500 किलोमीटर के बाद अगर आप ल्यूबिंग करते हो तो आपकी चेन की जो लाइफ जो है वो बढ़ सकती है, मीन्स ऑलमोस्ट आपकी चेन की 25K तक आप चला सकते हो। अगर आप प्रॉपरली ल्यूबिंग नहीं कर रहे हो तो आपकी चेन उसके पहले ही लूज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके जो फ्रिक्शन की वजह से चेन स्प्रॉकेट आपका लूज हो जाएगा। इसकी वजह से आपको चेन ल्यूबिंग आपको प्रॉपरली बार बार करनी पड़ेगी 500 किलोमीटर के बाद। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मैं गिव अवे देने वाला हूँ। ये ग्रोसरी का कॉम्बो पैक जिसके अंदर चेन ल्यूब और चेन क्लीनर दोनों भी है, और ये प्रोडक्ट्स मैं किसी भी दो विनर्स को देने वाला हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही 500 सब्सक्राइबर्स मेरे टच हो जाएंगे मैं गिव अवे कॉन्टेस्ट का एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों वो बेल आइकॉन दबा के रख दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर इस ब्लॉग के रिलेटेड आप लोगों को कुछ क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।